माननीय सुशील मोदी जी के बातों से तो हास्यास्पद लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको फंसा रहे हैं तो हम हमारे सामने झुक जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात होती है? जब एक स्वतंत्र संस्था है, जब संवैधानिक संस्था है, अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है, तो अगर हम गलत हैं तो हम कहीं झुक जाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा? अगर हम गलत हैं तो हमको सजा मिलेगी? यहाँ महागठबंधन मजबूत है और किसी के मंसूबा जो सोच समझ के लोग कर रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, ये सब किसी को पूरा होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आवाज़ दबेगी नहीं और मुखर होगी, और आने वाला 24 है चाहे 25 है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफेल रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल, एशफेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। महागठबंधन को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, जैसे पहले महागठबंधन मजबूत था, है और हमेशा रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी का बयान आ रहा है, इसको लेकर संतोष सुमन ने जमकर निशाना साधा है सम्राट चौधरी पर, तो वहीं संतोष सुमन का यह साफ कहना है कि महागठबंधन मजबूत था, है और हमेशा रहेगा। महागठबंधन को कोई कमजोर नहीं कर पाएगा, आने वाले दिनों में बीजेपी का पूरे देश से सफाया कर देगी महागठबंधन, तो वहीं क्या कुछ कह रहे बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन, वो सुने आप। देखिए, कमाल परवेज जी एक शख्सियत का नाम है, कोई पार्टी में, किस पार्टी में थे, पहले थे जनता दल यूनाइटेड में, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ शामिल हुए हैं और वहाँ से हम लोग के बीच में आए हैं। हम इतना ही कहेंगे आपके माध्यम से कि हम इनको स्वागत करते हैं, खुले बाँह से स्वागत करते हैं, हमारे पार्टी में आए हैं, हमारी पार्टी में जान आएगी, क्योंकि जितना इनका अनुभव है और जितना इनका लंबा सफ़र है, राजनीतिक सफ़र जिसको कहते हैं, और जदयू में रह करके और कुशवाहा जी के साथ रह कर जो इन्होंने सीखा है, हम समझते हैं कि हम लोग के पार्टी में आने के बाद इनका अनुभव का लाभ हमारी पार्टी को भी मिलेगा और हम लोग सब मिल करके काम करके जिस नेक कार्य के लिए पार्टी का गठन हुआ है, जिस उद्देश्य के साथ गरीबों की सेवा करना, गरीबों की आवाज़ बनना, सोसाइटियों को आगे बढ़ाना, हम समझते हैं उसमें हम कामयाब होंगे। और मैं पुनः आपके माध्यम से इनका स्वागत करता हूं कि आप आए हैं और अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आए हैं और इसी तरह से आकार बढ़ाते रहिए। हम जितना बढ़ेगा गरीब का उत्थान उतना ही होगा, गरीब की आवाज़ उतनी बुलंद होगी। देखिए, एक कोर्ट का मामला है और इसकी हम लोग बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन इतना ही कहेंगे कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को फंडामेंटल राइट से बोलने का अधिकार है और हर संविधान ने हमको भी कुछ न कुछ अधिकार दिए हैं। अगर पर्पसली किसी के साथ ऐसा किया जाएगा दुर्भावना के तहत, तो गलत है, लेकिन माननीय न्यायालय ने किस परिप्रेक्ष्य में ऐसा किया है, हम लोग की पार्टी पूरी तरह से राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है और हम लोग जो भी लड़ाई होगा हम लोग सब मिल के लड़े। हमारे संरक्षक महोदय मार्च भी किए थे और हम लोग चाहते हैं कि लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। जब संविधान रहेगा तभी इसकी खूबसूरती रहेगी, तभी पक्ष और विपक्ष रहेगा, तभी गरीबों का भलाई होगा। जनता जिस उम्मीद के साथ लोगों को चुनाव में वोट दे करके भेजती है उसका मकसद पूरा होगा, नहीं तो इस तरह की लड़ाई लड़ने से, नुक्ताचीनी करने से जनता का भला होने नहीं वाला है और ऐसे ही अपना समय बर्बाद हम लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार के विपक्ष जो लोग हैं उनकी आवाज़ दबाना चाहती है? निश्चित तौर पर जितने भी संवैधानिक संस्थाएँ हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बातें हो रही है, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, आप लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और आए दिन जो घटनाक्रम है जिस हिसाब से हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगता है कि विपक्ष की दबाव जो आवाज़ है उस आवाज़ को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, लेकिन विपक्ष की आवाज़ कभी दबती नहीं है, क्योंकि विपक्ष की आवाज़ जनता की आवाज़ होती है। आप हो सकता है किसी को संसद में जाने से रोक सकते हैं, लेकिन सड़क पर संघर्ष करने से किसी को रोक नहीं सकते हैं, और जब जनता सड़क पर चलाएगी तो किसी का मजाल नहीं है डेमोक्रेसी में कि कोई उसको रोक सकता है। सत्ता पलट, तख्ता पलट जिसको कहते हैं, होना ही होना। संतोष कुमार मोदी ने एक बयान दिया था कि लालू प्रसाद यादव अगर झुक जाते तो उनके साथ जो चार मामले चल रहे थे उनमें उनको कहीं ना कहीं मोहलत दिया जाता, अगर तेजस्वी यादव भी नहीं झुकेंगे तो वही हर्ष होगा जो लालू प्रसाद यादव के साथ। अब माननीय सुशील मोदी जी के बातों से तो हास्यास्पद लगता है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हम तुमको फंसा रहे हैं तो हम हमारे सामने झुक जाओ, हम तुमको छोड़ देंगे, ऐसी कोई बात होती है? जब एक स्वतंत्र संस्था है, जब संवैधानिक संस्था है, अगर वो न्यायपूर्ण तरीके से काम कर रही है, तो अगर हम गलत हैं
तो हम कहीं झुक जाएंगे तो हमको छोड़ दिया जाएगा। अगर हम गलत हैं तो हमको सजा मिलेगी। न्याय तो कानून है और हमारा जो कोर्ट है, माननीय न्यायालय है, वो तख्तों पर काम करती है, आदमी के सबूतों पर काम करती है, ना कि अगर हम माफ़ी मांग लेंगे तो उससे होगा। तो हम समझते हैं कि वो जो कह रहे हैं उनकी बात से तो हमको अजीब सी हंसी आ रही है, बचकाना बात कर रहे हैं कि लालू प्रसाद जी झुक जाते हैं, अभी राहुल जी झुक जाते हैं तो छोड़ दिया जाता है, ऐसी बातें उनके मुंह से हमको शोभा नहीं देता। संतोष समन जी, सम्राट चौधरी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए बीजेपी के, कह रहे हैं कि 75 सालों से बिहार में कमल नहीं खिल पाया है, कमल खिलाएंगे नए प्रदेश अध्यक्ष। मेरी शुभकामना है, हम लोग साथ रहे हैं, हम लोग साथ काम किए हैं, उनके पिताजी हमारे पार्टी के पहले अध्यक्ष थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, और वो हम लोग साथ काम किए हैं, पार्टी में रहे हैं, उनके भाई भी हम लोग के टिकट से उनके पिताजी भी लड़े हैं। अगर मैं समझता हूं कि अगर उनके अंदर, उनकी पार्टी के अंदर क्षमता है तो कोशिश करें, हर लोगों को कोशिश करने का अधिकार है, लोकतंत्र है। लेकिन हम एक बात आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, यहां महागठबंधन मजबूत है और किसी के मंसूबा जो सोच समझ के लोग कर रहा है कि हम सत्ता में आ जाएंगे, ये सब किसी को पूरा होने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं किस तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, ये आवाज़ दबेगी नहीं और मुखर होगी, और आने वाला 24 है चाहे 25 है, महागठबंधन की सरकार बनेगी। सम्राट चौधरी का ये भी सर बयान आया है कि उनके पिता ने समता पार्टी का लोकार्पण किया था लेकिन नीतीश कुमार ने कब्जा किया। अब कहने को तो कोई कुछ भी कह सकता है, माननीय नीतीश कुमार जी समता पार्टी का बनाया है, जॉर्ज फर्नांडिस जी बनाए हैं, सब लोगों ने मिल के बनाया था और वो छोड़ के चले गए। माननीय नीतीश कुमार जी तो उसी पार्टी से रहे और जनता दल यूनाइटेड बना, इसलिए देखिए कहने वाले को आप रोक नहीं सकते हैं। आज उनका दिन है, आज वो जो भी कहेंगे उनका हम लोग स्वागत करेंगे, आने वाला जो चुनौती है उसको पार कर जाएं, कमल खिला दें तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस राज्य में कमल उमल खिलने वाले। 24 में नरेंद्र मोदी को केंद्र भेजने की बात कर रहे थे सम्राट चौधरी, तो बोलेंगे ही ना, सम्राट चौधरी जी को तो बोलना ही है। सम्राट चौधरी जी उस पार्टी से हैं, उनको नया नया तोहफा मिला है, सगुफा मिला है, प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, तो वो तो बोलेंगे, नहीं बोलेंगे तो उनके जो ऊपर वाले लोग जो बनाए हैं क्या बोलेंगे। लेकिन सिर्फ ख्याली फुलाव है, उनको बोलना है, उनको बोलने का अधिकार है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं, महागठबंधन की सरकार बनेगी और वहाँ भी इस बार आप देखेंगे जिस तरह से सारा विपक्ष एकजुट हो रहा है, इन मुद्दों पर जिस तरह से काम हो रहा है, सब विपक्ष एक हो जाएगा तो जनता भी समझ रही है, आने वाला 24 भी जनता समझ रही है और बिहार में 25 भी जनता समझेगी। उनके मंसूबों पर पानी फिरेगा, उनका जो सपना है वो साकार नहीं होगा। यहाँ महागठबंधन और विपक्षी एकता एकजुटता होगी और केंद्र में भी विपक्ष की सरकार बनेगी और यहाँ भी सरकार बनेगी। तो आपने सुन लिया हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा है, तो वहीं सम्राट चौधरी को यह साफ कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कहीं ना कहीं पहले भी हमारे साथ थे सम्राट चौधरी और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं अच्छी बात है, अच्छा करेंगे, लेकिन देखा जाए तो महागठबंधन का कुछ नहीं कर पाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक रिपोर्ट।